अल्पसंख्यकों को दबाने की बात होती है। यहाँ अमेरिका के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मैंने बात की है, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर एक बड़ी विशेष रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे आपको भारत का सेक्युलरिज्म और अमेरिका का सेक्युलरिज्म समझ में आएगा। पहले धर्मगुरुओं को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं और उनके दौरे को लेकर, उस दौरे पर क्या क्या होगा इसको लेकर बड़ी चर्चा है। लेकिन आज आपको एक बड़ी अनोखी चीज दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका की धरती पर होने के साथ साथ हम यहां खड़े हैं जहां कभी 9/11 का अटैक हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग धर्म के और खासकर माइनॉरिटीज के बहुत सारे लोग नजर आएंगे। आपको साधु संत नजर आ रहे हैं, सिख समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं, इमाम नजर आ रहे हैं, लोकेश जी हैं, जैन मुनि हैं, वो मौजूद हैं, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं और सारे धर्म से, संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। जब माइनॉरिटीज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है, और एक नैरेटिव ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माइनॉरिटीज अटैक में, मतलब उनको दबाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या अमेरिका में जो माइनॉरिटीज हैं या जो लोग हैं माइनॉरिटी के, उनको ऐसा लगता है? देखिए, आपके सामने सभी धर्मों के जो मेन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, लीडर हैं माइनॉरिटीज के, वो खड़े हैं। यहाँ पे मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्धी हैं, जैनी हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। हम यहाँ पे अमेरिका की इस धरती पे 9/11 जहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ आके हमने ट्रिब्यूट भी किया है। टेररिज्म के खिलाफ जो मोदी जी की एक स्ट्रांग स्टैंड है, वो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पलरी है। और हम सारे धर्म मिलके, सारी माइनॉरिटीज मिलके यहाँ पे दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत में, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारी माइनॉरिटीज जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक सेकुलर लीडर हैं, सिर्फ भारत की बढ़ती हुई गर्मा को देखते हुए, भारत की तरक्की को देखते हुए कुछ ताकतें हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलर बता रहे हैं। लोकेश जी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा भारत में, माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा भारत में एक धर्म विशेष से जुड़ी रही है, उसकी आप बात करते हैं तो आप सेक्युलर हैं और इमाम साहब हैं, वो भी उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप चूंकि अमेरिका बहुत घूमते हैं और जाते हैं, यहाँ पर लोगों का ये सेंटिमेंट है कि भारत में कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सेक्युलर है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये निर्विवाद तथ्य है कि भारत में इस समय जो सरकार है उसका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं समझता हूँ भारत में माइनॉरिटी जितने सुखी हैं और जितने सुरक्षित हैं दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है। हालांकि सुरंज भाई, 140 करोड़ की आबादी है, मैं नहीं कह सकता दो चार छुटपुट घटनाओं को आधार बना करके देश को बदनाम किया अगर जाता है तो वो सरासर गलत है। और आज हम सब एक साथ खड़े हैं। अमेरिका में जो इस वक्त इंडिया की रेपुटेशन है, ऐसी जब से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई कभी ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। मैं आपको एक तरफ से कहा, मोदी ने ट्रस्ट इंडेक्स पर इतना हाई हो गए हैं, कहते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल लीडर्स इज नरेंद्र मोदी। उनको मालूम है कि ये आदमी करप्ट नहीं कर सकते। जो ये यूज टू थे ना मीडिया वाले, खास करके इंग्लैंड से, कहाँ से, कि वो डिवाइड एंड रूल वाली चीज, वो मोदी जी के साथ चलने वाली नहीं है। उसका बहुत असर पड़ गया। इस वक्त मोदी जी हैं जो बाइडेन को कल इलेक्शन कराने, अगले साल मोदी जी आप आइए ताकि इंडियन कम्युनिटी का मेरे को वोट मिल जाए। ये चीज राम साहब को चाहिए था। हाँ, दर्शन सिंह जी हैं, ये इन्होंने कितना काम किया है सिख कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए पिछले साल से, जो फार्मर्स वगैरह सब, इन्होंने कितना किया है। मोदी जी क्यों ट्रस्ट करते हैं इनको? क्योंकि इनको पता है कि ये जोड़ने वाले हैं, डिवाइड करने वाले नहीं है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पूरी कम्युनिटीज में, हिंदुस्तान की जो जितने धर्म है सबको इकट्ठे करने वाले चाहिए। जो आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, वो परसेप्शन है कि भाई नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी अमेरिका में कुछ दिन पहले भारत के एक नेता आते हैं, या और भी जगहों पर भारत में भी ये बात होती है कि नरेंद्र मोदी डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों का परसेप्शन क्या है, मोदी डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं? मोदी सभी को जोड़ रहा है। आज आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए हैं और सभी का एक दूसरे से प्यार है, ये मोदी जी की मेहरबानी है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं इंडिया में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए हम जहाँ आए कि वी ऑल हियर टू कंडेम टेररिज्म। आपको लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा आ पाएंगे? ये कुछ सोचने करने की बात है। नो क्वेश्चन अबाउट इट।
तो ये हर कोई कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाने का कोई सवाल नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की बात है, लेकिन भारत में एक हिंदूवादी सरकार आ गई है, एक हिंदू नेता आ गया है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये तमाशा जो है ना वो चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा।